अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज वन इंग्रेडिएंट रेसिपी के साथ हम फिर हाजिर हैं, एक नया फेस मास्क। और आजकल जो स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, ये कोई रंग वाली स्ट्रॉबेरी नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज इनको मैंने फ्रिज में ना चिल्ड कर लिया और मैं सिर्फ एक ही यूज़ करूँगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बताने वाली कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सबको पता है, कोई नई बात करते हैं आज, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का फेस मास्क बनाना है हमने, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं डालना। खाएं सारी लेकिन एक फेस पे लगा लें। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉबेरी लेनी है, ठीक है। इसका ये ग्रीन पार्ट जो है ना, मैं ये निकाल लूँगी क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो इसको वाइट पोर्शन है ना, इसको भी मैं रिमूव कर लूँगी क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका ये पिंक पिंक हिस्सा चाहिए। निकालने का तरीका ये है, वाइट पीस रिमूव कर दिया और ये पीस ये रहा। ये फोक लूँगी, मैं फोक से उसको दबाऊँगी, कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है। इसको भी अभी आना था। देखें इसका ये पल बन गया, इसको अच्छे से इसका पल बनाना और इसके सीड से भी क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। उसको आप अपने किसी प्लांट में डाल दें, किस्मत होगी तो उग जाएगा इसका प्लांट, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अब बस ये होने वाली है, फोक से सबसे अच्छी होगी, किसी ब्लेंडर ब्लेंडर में तो आधी उसी में ही रह जाएगी, इस्तेमाल के लिए तो कुछ बचे ही नहीं। हो गया, ये मैंने इसका पल्प जो है ना, जिसमें सीड्स हैं वो अलग कर लिए और ये सिंपल इसका पेस्ट है, ठीक है। अब ये पल्प जो है ना, ये आपने सिंपल फेस पे अप्लाई करना है और ये सिर्फ रात में अप्लाई करना है। ये मास्क अप्लाई करें, अप्लाई करके अगर कड़क हो जाए उसके बाद फिर 20 मिनट्स बाद इसको वॉश करना है। ये वीक में 1 से 2 बार यूज़ करना है और इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए ये देखिए इसका ये पल्ब, इसको ब्रश की हेल्प से आपने लगाना है स्ट्रॉबेरी मास्क को। और ये जो पल्ब है ना, इसको ड्राई करके इसके सीड रिमूव कर लें तो फिर ये गमलों में डालें तो ये इसके सीड्स स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा सकते हैं इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।